पुरातत्व विभाग की अनदेखी से जिले भर की अनमोल धरोहर नष्ट होने की कागार पर पहुंच गए हैं, जबकि कोरिया में कई सदियों पुरानी परंपराओं को समेटे अनमोल धरोहर मौजूद है। विकास खंड भरतपुर के ग्राम घगरा में महाभारत काल की कहानी बयां करती है प्राचीन शिव मंदिर है जो अपनी आभा खो रही है। वही आज यह अनमोल धरोहर देख रेख के अभाव में नष्ट होने की कागार पे है। इसकी चिंता न तो पुरातत्व विभाग को है और न ही स्थानीय प्रशासन को। ऐसे में पूरा संप्रदाय भगवान भरोसे ही है, जिनमें से कई तो जमींदोज हो गई हैं और कुछ नष्ट होने की कागार पे हैं। जो बची हैं वह भी जर्जर अवस्था में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घगरा का यह प्राचीन शिव मंदिर पुरातत्व की उपेक्षा के कारण अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है। इस शिव मंदिर की बनावट को देखते बेहद अद्भुत कारीगरी प्रतीक होती है। इसकी वही मंदिर में उपयोग किए गए सभी पत्थर पर नक्काशी किया गया है, लेकिन पुरातत्व विभाग के द्वारा रखरखाव के अभाव में पत्थरों का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे आने वाले कुछ वर्षों में मंदिर को क्षतिग्रस्त होकर गिरने का खतरा बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि यह मंदिर तीसरी चौथी शताब्दी का हो सकता है। क्षेत्र में बहुत से ऐसे प्राचीन काल के दार्शनिक स्थल हैं जो लगातार अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहा है। यदि समय रहते पुरातत्व विभाग इसका ध्यान नहीं देता तो हमारे जिले के कोई भी प्राचीनतम धरोहर धीरे धीरे विलुप्त हो सकता है। वही ग्राम पंचायत घगरा के सरपंच ज्ञानेन्द्र सिंह का कहना है कि इसके सुधार करने के लिए कई बार पुरातत्व विभाग को लिखित सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। मैं सरपंच ज्ञानेन्द्र सिंह कंवर, ग्राम पंचायत घगरा। ये शिव मंदिर बहुत ही मतलब पुराना प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना है। कई बार हम लोग शिकायत मतलब इसका लिखित वो भी दिए, लिख कर के भाई पुरातत्व विभाग को, पर इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये बहुत पुराना मंदिर है, पूर्वजों के जमाने का है। ये मंदिर ये महाभारत के जमाने, पांडवों के जमाने से है। ये गुफा टाइप का रहा, पत्थर सब जोड़े हैं, उसमें कोई जुड़ाई नहीं है, कहीं भी नहीं। भूकंप में उसमें भूकंप कभी आया था, तब से जितना गिरा अभी गिरा हुआ है, इसमें पत्थर अंदर लटका हुआ है, जो लगता है कि गिर ही गिरने ही वाला है, लेकिन आज तक वो टफ से मत नहीं। और जब से मैं देखा हूँ, जब से देख रहा हूँ, ऐसे भी कैसे बना हुआ है, कोई फर्क नहीं आया। जब गुप्तवास रहा पांडवों का ना विराटनगर में, शाहरोड विराटनगर में था, उसी ज़माने में लोग गुप्तवास में लगता बनाए हैं। उसमें मूर्तियाँ, सब पत्थर में मूर्तियाँ पाओ गया, कोई ऐसा पत्थर जिसमें मूर्ति ना हो। R9 भारत के लिए साहिल अंसारी की रिपोर्ट, कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़।